आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत इंदिरा गांधी स्टेडियम से की। फिट इंडिया अभियान में उद्योग जगत, फिल्मी जगत, खेल जगत के अलावा अन्य अनेक हस्तियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को फिटनेस मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि टेक्नोलॉजी ने इंसान को आलसी बना दिया है और वही टेक्नोलॉजी लोगों को बताती है कि वो एक दिन में कितने कदम चले। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, वैसे ही फिट इंडिया मूवमेंट को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक जुनून, एक इच्छा शक्ति और लगन का होना बहुत जरूरी है। जब एक पर्पस और पैशन के साथ हम काम करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। जीवन में जब हम एक लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उस लक्ष्य के अनुसार ही हमारा जीवन ढल जाता है। भाई और बहनों, सफलता और फिटनेस का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, अपने आइकॉन्स को देखिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फिल्मों में हो, बिजनेस में हो, इनमें से अधिकतर फिट है। ये सिर्फ संयोग मात्र नहीं है, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक चीज ऐसे हर व्यक्ति में कॉमन है। सफल लोगों का कॉमन कैरेक्टर है फिटनेस पर उनका फोकस, फिटनेस पर उनका भरोसा। आपने बहुत से डॉक्टरों को भी देखा होगा, बहुत पॉपुलर होते हैं और दिन में 10-10 12-12 घंटे अनेक पेशेंट के ऑपरेशन करते हैं। बहुत से उद्यमी सुबह एक मीटिंग एक शहर में करते हैं, दूसरी मीटिंग दूसरे शहर में करते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, उतनी ही अलर्टनेस के साथ काम करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने प्रोफेशन में एफिशिएंसी लानी है तो मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। चाहे बॉर्डरूम हो या फिर बॉलीवुड, जो फिट है वो आसमान छूता है। बॉडी फिट है तो माइंड हिट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके ठीक कर सकते हैं। ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें अपने लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करके दूर कर सकते हैं। कुछ लोग जोश में आकर फिटनेस की बातें भी करते हैं और फिटनेस से संबंधित गैजेट भी खरीदते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो गैजेट घर के कोने में रख दिए जाते हैं। लोग मोबाइल में फिटनेस ऐप तो रखते हैं लेकिन कुछ समय बाद उस ऐप का उपयोग ही नहीं करते। अमर सिंह इस समय अपने इलाज करवा रहे हैं अस्पताल से ही। उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को लेकर एक बयान जारी किया है और कहा कि राहुल गांधी जिस अंबानी को कोसते चिदंबरम उनके घनिष्ठ मित्र हैं। अमर सिंह ने कहा कि मेरे पास मेरी कही हर बात का सबूत है। उन्होंने कहा देश की इकोनॉमी डुबाने के पीछे की वजह भी चिदंबरम ही है। परम आदरणीय राहुल जी, मैं बहुत विनती करके बोलता हूँ, आपको कई बातों का पता नहीं है संभव है और यह कोई व्यंग नहीं है, यह मेरा आपको सुझाव है। वीडियो कॉन के वेणुगोपाल धूत, रिलायंस के अनिल अंबानी जिन्हें आप मोदी जी का मित्र कहते हैं, वो सबसे अधिक घनिष्ठ मित्र आपके वित्त मंत्री चिदम्बरम के हैं, इसके ठोस सबूत मेरे पास हैं। आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन आप सार्वजनिक कर दूंगा। इकोनॉमी डूब रही है लेकिन इस डूबती हुई इकोनॉमी के जड़ में एक ही आदमी है, श्वेत लुंगीधारी भ्रष्ट चिदम्बरम, चिदम्बरम, चिदम्बरम। अमर सिंह ने पी चिदम्बरम को लेकर कई खुलासे किए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि चिदम्बरम ने सरकारी रुपया इस तरह बांटा जैसे उनके पिताजी का माल हो। अमर सिंह ने राहुल गांधी से पी चिदम्बरम के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करने के भी कहा। और अब कुछ मत करिए राहुल जी, कृपया आप ये देखिए कि जो रुपये एनपीए हो गए हैं
जिसके लिए एनसीएलटी बनी है, जिसकी रिकवरी के लिए मोदी जी चिंतित हैं, वो तमाम राशियां किसके शासनकाल में, यूपीए 2 के शासनकाल में किस व्यक्ति के अधीन अंधाधुंध उन रुपयों को बांटा गया है। अगर वो रुपये पी चिदम्बरम के कार्यकाल में न बांटे गए हों तो एक श्वेत पत्र जारी करा दीजिए। अब बताइए मोदी जी क्या करें। आपके चिदम्बरम जो अभी सीबीआई को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये रुपया ऐसे बांटा है जैसे उनके बाप का मालूम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन अपने विधानसभा क्षेत्र राजपुर के दौरे पर थे। वे एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ, इससे सब कुछ हिल गया। यह एक भूगर्भीय धमाका था। इसके बाद भूकंप के झटके लगे। इस इलाके में जब से सरदार सरोवर का बैक वाटर आना शुरू हुआ है, तब से जमीन के नीचे से भूगर्भीय धमाके हो रहे हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन ने इसकी भयावहता के बारे में लोगों से चर्चा की और देखा कि लोग बड़े मुसीबत की जद में आ रहे हैं। कल हमने नर्मदा पट्टी के जो गांव है, आउली, मोहिपुरा, दतवाड़ा, बड़दा, वहां का हमने दौरा किया। उनकी बात जो सुन रहा था, उसी समय एक जोर से धमाका आया। पूरा सरकारी तंत्र हमारे पास है, सब ने भी उसको रिकॉर्ड किया है। और लगभग पिछले 9 से 10 अगस्त से भूकंप के झटके आ रहे हैं, दीवालों में दरारें आ रही है, दीवालों के प्लास्टर गिर जा रहे हैं, और कहीं कहीं तो दीवालें इतनी धस गई है। एक जगह हमको मंदिर के बारे में भी बताया कि मंदिर भी धस गया है। तो 134 मीटर पानी भरने से काफ़ी हलचल मच गई है और भूकंप के झटके तेज गति के तेज तीव्रता वाले जो आ रहे हैं। बड़वानी जिले के ग्राम भमोरी साकड़ मंदिर के आसपास के ग्रामों का दौरा करते समय गृह मंत्री ने बताया कि ग्रामीणों से बात करते समय भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। इससे पहले बाला बच्चन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर से भी चर्चा की। बाला बच्चन इस बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कमलनाथ को देंगे और नर्मदा वैली के ताजा हालातों से उन्हें अवगत कराएंगे। कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक रहे गोविंद सिंह राजपूत से नाराज हैं। इस सप्ताह के आरंभ में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन गए तो उन्होंने राजपूत से बात करना तो दूर उन्हें देखना तक मुनासिब नहीं समझा, जबकि उनके दूसरे समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट पूरे दौरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहे। सिंधिया समर्थक परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ऐसा होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों को देखें तो पता चलता है कि अब सिंधिया और राजपूत के रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं है। इस दौरे में सिंधिया ने न सिर्फ गोविंद राजपूत से दूरी बनाई बल्कि एक तरह से उनको इग्नोर भी किया, जबकि उनके दूसरे समर्थक मंत्री तुलसीराम सिलावट पूरी यात्रा के दौरान सिंधिया के साथ रहे। सिंधिया जब कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर की गैलरी में पहुंचे तो गेट लगा दिया गया। गोविंद सिंह राजपूत 10 मिनट तक बाहर इंतजार करते रहे लेकिन गेट नहीं खोला गया। इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत अलग अलग दिखाई दिए। इस घटना के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब लौटे तो गोविंद सिंह राजपूत उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट नहीं गए। यहां भी तुलसी सिलावट ही उनके साथ थे, जिससे जाहिर हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और गोविंद सिंह राजपूत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सिंधिया की नाराजगी जैसे ही सुर्खियां बनी तो गोविंद सिंह राजपूत सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा, सिंधिया हमारे नेता हैं, मीडिया के पास नाराजगी नापने का कौन सा यंत्र है, वो यंत्र हमें जरूर दिखाइए। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की कार्य प्रणाली पर इस समय कांग्रेस के आला नेता नजर बनाए हुए हैं और गोविंद सिंह राजपूत के कुछ बयान और कार्यप्रणाली से कांग्रेस नेता खुश नहीं है। इस मामले में आला नेताओं ने सिंधिया तक से ये बात की है। इसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया गोविंद सिंह राजपूत से नाखुश बताए जा रहे हैं। ग्वालियर क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में अवैध उत्खनन पर रोक लग गई है। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं गोविंद सिंह ने कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों की कार पर बत्ती लगाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर इन अधिकारियों की गाड़ी पर बत्ती होने से लाभ होता है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं। और उन्हें कल से परसों बात हुई है, कल से मुख्यमंत्री जी ने कड़े आदेश किए हैं, भिंड और दतिया जिले में 100% अवैध उत्खनन रेत का रुक चुका है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के निर्णय कठोरता से पालन करें। लाल बत्ती देने में कोई बुराई नहीं है, जो उनकी ताकि पहचान बनी रहे। कई जगह हमने देखा है स्थान पर कि मतलब मत्ती न होने से तमाम लोगों ने अधिकारियों का अपमान किया, घेराबंदी भी की है। इसलिए एक संकेत जाता है कि जो विशिष्ट व्यक्ति है, प्रशासन का आदमी है, इसके साथ
अभद्रता न की जाए। हमारे पास प्रस्ताव आएगा, मैं उसी दिन ऑर्डर कर दूंगा। पिछले दिनों मंत्री गोविंद सिंह ने एक सार्वजनिक समारोह में अवैध उत्खनन पर रोक न लगाए जाने के कारण जनता से माफी मांगी थी और कहा था कि मैं अपनी ही सरकार में हार गया हूँ। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बुधवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि मंगलवार को पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ पर बना ऊपरी हवा का चक्रवात समाप्त हो गया था, जिस कारण बारिश में कमी आई। हालांकि मानसून ट्रफ वर्तमान में प्रदेश के गुना और सीधी से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। इसके साथ ही गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इस सिस्टम के आगे बढ़ने से शुक्रवार से प्रदेश में एक बार फिर अच्छी बारिश हो सकती है और शुरू होने की संभावना है। बारिश का ये दौर एक बार फिर 3 दिन तक चल सकता है। छतरपुर जिले के नौगांव थाना में एक युवती ने शिकायत की है कि उसे शादी का झांसा देते हुए नौगांव जनपद में पदस्थ रोजगार सहायक रविंद्र गुप्ता ने उसका शारीरिक शोषण किया, फिर शादी करने के लिए टाल मटोल करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक ने 2 दिन पहले शादी तय करने के लिए नौगांव जनपद में पदस्थ बाबू हरि वर्मा और उसके साथ रोजगार सहायक रविंद्र गुप्ता और राघवेंद्र सिंह उसके घर आए। इसके बाद उन्होंने जनपद के बाबू के सरकारी आवास पर पीड़ित युवती को बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि जब वह हरि वर्मा के घर गई तो उसके साथ पहले रविंद्र गुप्ता ने रेप किया और फिर अन्य दोनों लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बाद में इन तीनों ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाई, जिस पर नौगांव थाना पुलिस ने रविंद्र गुप्ता के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। नौगांव जनपद के बाबू हरि वर्मा और रोजगार सहायक राघवेंद्र सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया गया है। नौगांव में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई, इसमें अपराध क्रमांक 470/19 दर्ज किया गया है। धारा 376/534 IPC पे इसमें 3 आरोपी हैं, आरोपियों की तलाश की जा रही है, शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट में ये आया है कि पूर्व से साथी यहाँ देखे संबंध बनाए थे उसके और 2 साथियों ने सहयोग किया, इस तरह की रिपोर्ट है, उसमें कार्रवाई की। बाग चौराहे के पास अचानक एक निर्वस्त्र युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते देखते इलाके में भीड़ लग गई। जब ये युवती कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी तो एक राहगीर महिला ने पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा के इस युवती को काबू में किया। महिला आरक्षक ने दुपट्टे से युवती का शरीर ढांका तो युवती ने पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस युवती को महिला थाने ले आई। बातचीत के बाद पता चला कि युवती मनोरोगी है और मुरार इलाके की रहने वाली है। युवती का भाई भी मनोरोगी है। युवती की मां का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि कुछ लोग युवती को लग्जरी कार से उतार कर चले गए हैं। हरदा में बिजली कंपनी के कर्मचारी ढोल नगाड़ों के साथ बाजार में निकले। उनके हाथ में एक बैनर भी था जिस पर लिखा था कि अगर आपने अपना बकाया बिजली बिल नहीं भरा तो आपका नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, गाजे बाजे के साथ वसूली दल आपके घर आ जाएगा। ऐसे में बकायेदारों से ये अपील की जाती है कि वो जोन कार्यालय में जाकर अपना बकाया बिल भर दें। हरदा में 500 से ज्यादा बकायेदारों के ऊपर बिजली कंपनी का 2 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। ऐसे में बिजली कंपनी ने वसूली के लिए ये नायाब तरीका अपनाया है ताकि लोग शर्म के मारे ही नहीं अपना बकाया बिल जमा कर दें। नगर निगम दफ्तर में हाजिरी लगाकर ड्यूटी जा रहे एक्टिवा सवार सफाई कर्मी को स्कूल बस ने जनकगंज डिस्पेंसरी के पास टक्कर मार दी। इस एक्टिवा पर 3 लोग सवार थे, जिनमें शिवम राणा नामक सफाई कर्मी की मौत हो गई, जबकि एक्टिवा सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल रंजीत और सुनील को गंभीर अवस्था में जया रोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद स्कूल बस चालक बस लेकर मौके से फरार निकला। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। ये मेरा भतीजा था सोम राणा। ये अपनी ड्यूटी पे मतलब हाजिरी दे के बाहर से और अपने कार पे जा रहा था और स्कूल की बस तेजी में आई, आगे से मतलब टक्कर दी और चढ़ाती हुई सीधी पब्लिक ने रुकने की भी कोशिश करी, रुकी नहीं। मेरे 2 बच्चे भतीजे, एक भतीजा एक भतीजी उसी बस में मतलब फ्रूट मंडी से बैठते हैं, माँ बाप बच्चे इंतजार कर रहे थे, बच्चों ने हाथ दिया, वो गाड़ी वाले ने उसको माफी मतलब बच्चों को ना लेते हुए
सीधा भागा हुआ चले गया। सफाई कर्मचारी है, अपने ड्यूटी करके निकल रहा था बाइक से, तो स्कूल की बस थी उसमें उसको टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। एक दो वीर उनको भी चोटें आई हैं और शुभम की मृत्यु स्टोर में हुई। पुलिस ने मर काम भी कर दिया और मुकदमा काम भी कर दिया और उसकी जांच सब करेंगे। दूसरी ओर ग्वालियर मोती झील के एक टैंक में नहाने उतरे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मोनू उर्फ अमित अपने छोटे भाई अभिषेक और एक अन्य साथी के साथ मोती झील प्लांट के एक टैंक में नहाने उतरा था। वह खुद को संभाल नहीं पाया और पानी में डूब गया। ये क्या है, अचानक घर से बिना बताए गए हुए थे दोनों बच्चे, किसी दोस्त को उन्होंने फोन किया, उसके घर से उसको बुलाया, फिर नहाने गए। नहाते समय पता नहीं क्या घटना घटी, पैर स्लिप हुआ, क्या हुआ, दोनों भाई उसके अंदर डूबने लगे। इसके साथ के बच्चे ने एक बच्चे को बचा पाया और दूसरा बच्चा डूब गया। बैरागढ़ सिविल अस्पताल में अचानक कलेक्टर तरुण पिथौड़े पहुंचे और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्हें कई खामियां नजर आईं जिन्हें उन्होंने तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल की सुविधाओं पर फीडबैक भी लिया। उन्होंने अस्पताल अधीक्षिका से मुलाकात कर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर को जल्दी चालू करने के लिए कहा। कलेक्टर ने अस्पताल के सभी स्टाफ से कहा कि अस्पताल में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बरसात के कारण फैल रहे मच्छरों व डेंगू से पीड़ित मरीजों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, यहाँ पे सारी चीज़ें जो इस तरह से होना चाहिए उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं। कुछ डॉक्टर छुट्टी कर सकते हैं, ऑफिशियली मैं कैसी कोई बहुत मुझे वो अनियमितता तो नहीं दिखती, लेकिन आज में सप्लाई में इसका इंस्पेक्शन हम लोग अपना काम करते रहे। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया तो सब ने सेटिस्फेक्शन अपना बताया, लेकिन फिर कभी इसको और भी देखेंगे और प्रयास ये है कि हमारा हॉस्पिटल बेस्ट से बेस्ट हो। छतरपुर के शेफ्रोन मैरिज हाउस के मालिक प्रशांत त्रिवेदी की चलती गाड़ी में बीती रात अचानक आग लग गई। प्रशांत जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग कार में फैल चुकी थी। जैसे तैसे प्रशांत ने कार को रोका और कार से बाहर कूद गए। इस हादसे में कार सवार को काफी चोटें आई हैं। यह घटना सिविल लाइन थाने के स्टई रोड पर पीताम्बरा मंदिर के पास की है। कुछ ही देर में ये कार खाक में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह आग लगी। गुरुवार सुबह हरदा कलेक्ट्रेट में अचानक दर्जनों गायें पहुंच गईं। जिस वक्त गायें कलेक्ट्रेट ऑफिस के भीतर घुसी उस समय वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब लोग पहुंचे तो परिसर में दर्जनों गायों को देखकर हैरत में पड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया और अचानक कैसे इतनी सारी गायें कलेक्ट्रेट के भीतर दाखिल हो गईं। इसके बाद चपरासी ने गायों परिसर से बाहर निकाला और पूछताछ शुरू की तो ये पता चला कि इन गायों को किसान यहां लेकर पहुंचे थे। हरदा इलाके के किसान लंबे वक्त से आवारा पशुओं से परेशान, आवारा पशु इनकी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कलेक्टर को कई बार इसकी शिकायत की लेकिन जब हल नहीं निकला तो किसानों को मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा। कलेक्ट्रेट ऑफिस में गायों को लाने से पहले ये किसान इन्हें कांजी हाउस लेकर भी गए थे मगर वहां इन्हें रखने की जगह नहीं थी। ऐसे में किसान सभी पशुओं को कलेक्ट्रेट ले आए।